शब्द से निःशब्द तक अनंत श्री के साथ आज का शिव सूत्र है चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक गुरु उपाय शरीरम हव्य ज्ञान मन्नम विद्या संहारे तदुत्थ स्व प्रदर्शनम। अर्थात चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है, गुरु उपाय है, शरीर हवि है, हवि अर्थात हवन की सामग्री, ज्ञान ही अन्न है, विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं। शिव का जो ढंग है वो बड़ा ही सधा हुआ और एक तीर की तरह तुम्हारे भीतर उतरने वाला है। आज जो सूत्र हमने लिए उसमें पहले सूत्र में शिव कहते हैं कि चित्त मंत्र है, तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारे लिए मंत्र का काम करता है। मंत्र उस प्रक्रिया को कहते हैं जो बार बार दोहराए जाने से एक शक्ति अर्जित कर लेता है। इसीलिए तुम मंत्र विज्ञान के बारे में जब खोज करते हो तो पाते हो मंत्र किसी प्रकार के कार्य की सिद्धि का एक उपाय है। मंत्रों के माध्यम से तुम अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हो, उन्हें सफल बना सकते हो। अब शिव कहते हैं कि चित्त ही मंत्र है। मंत्र विज्ञान में जो भी आधारभूत बात है, जो भी गहरे से गहरी अंतर्दृष्टि है वो शिव यहां पर तुम्हें दे देते हैं। फिर इसके बाद केवल विस्तार है। तुम अलग अलग प्रकार के मंत्रों की खोज कर सकते हो लेकिन वो सब मंत्र तुम्हारे चित्त से ही निकले हैं, तुम्हारे मन से ही निकले। पहला तो मन को तुम साथ लेकर ही चल रहे हो। मन हमारा जो मन है उसने ही हमारे जीवन का निर्माण कर दिया है, वो हमारे लिए मंत्र का ही काम कर रहा है। हम अपने मन की खोज में जब जाते हैं तभी साधना या अध्यात्म की जो बातें हैं वो हमारी समझ में आती हैं। अध्यात्म कोई ऐसा विषय नहीं है जो तुम्हारे जीवन से अलग है, वो तुम्हारे मन की समझ से निकली हुई एक घटना है। तुम्हारा मन बहुत सारी बातों को अपने अंदर लेकर चल रहा है और वो तुम्हारे लिए मंत्र बन गई। तुम्हारा जीवन उन बातों के कारण ही निर्मित हो गया है। अगर तुम अपने अंतर्मन की खोजबीन करो तो तुम पाओगे कि कुछ एक विचार हैं, कुछ एक धारणाएं हैं, कुछ एक मान्यताएं हैं जो निरंतर तुम्हारे भीतर घूमती रहती। मन का फलक या मन का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत व्यापक नहीं होता। तुम्हें लगता है कि मन अंतहीन है लेकिन ऐसा नहीं है। मन एक सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहा है, एक वर्तुलाकार गति में घूम रहा है। कुछ बातें ही तुम्हारे अंदर निरंतर घूमती चली जा रही हैं और वो तुम्हारे लिए मंत्र बन गई है, तुम्हारा जीवन उनसे निर्मित हो गया है। तो शिव कहते हैं कि जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ये तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन तुम्हारे लिए मंत्र का काम कर रहा है तो मंत्र को बदल सकते हैं। अपने चित्त में घूमने वाली बातों को हम बदल सकते हैं, उसमें जो पुनरावृत्ति जो रिपीटेशन घट रहा है उसको हम बदल सकते हैं और उसके साथ ही हमारा जीवन भी बदल जाएगा।
हम एक किस्म की सोच को लेकर चल रहे हैं तो हम एक ढंग से प्रभावित हो रहे हैं, और हम दूसरी सोच को अपने मन में डाल सकते हैं तो हम दूसरे ढंग से प्रभावित होने लगेंगे। कोई और तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहा है, तुम्हारे जीवन के लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है। शिव इसी ओर इशारा कर रहे हैं, इसीलिए वो सबसे गहरी बात कह रहे हैं कि तुम अपने चित्त की शक्ति को जानो। और मंत्र इसलिए कह रहे हैं कि मंत्र पुनरावृत्ति से पैदा की हुई शक्ति का नाम है। जैसे तुम मंत्र का जाप करते हो, तुमने अक्सर सुना होगा कोई मंत्र की सिद्धि करनी है तो उसका 1008 बार जाप कर लो, 1,00,000 बार जाप कर लो, 10,00,000 बार जाप कर लो तो मंत्र सिद्ध हो जाए। लेकिन जिसका मन स्पष्ट नहीं है वो 1,00,000,000 बार भी हो सकता है जाप करे, किसी चीज का कोई अंतर ना पड़े। मंत्रों के बारे में जो बात कही जा रही है उसमें इतनी ही बात है कि तुम्हारे अंदर जो चीज बार बार चल रही होगी वो शक्ति अर्जित कर लेगी। और हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग है, तो हर व्यक्ति को अपने चित्त की खोज अलग अलग करनी है। अभी तो हम केवल एक दूसरे से उलझने में ही अपनी शक्ति व्यर्थ करते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूं या मेरा जीवन ऐसा इसलिए है। और तुम जानते हो मंत्र चमत्कार भी करते हैं, तो चमत्कार तुम्हारे चित्त में ही है, उस मंत्र को बदलने में है। इसीलिए शिव कहते हैं कि ये जो चित्त है पहले इसे जानो। और फिर अगले ही सूत्र में वो जो बात कह रहे हैं वो इसका उपाय है। शिव पहले आधारभूत बात कहते हैं और फिर हर अगले सूत्र में तुम्हें उसके लिए और प्रक्रिया की बात बताते हैं और उपयोग की बात बताते हैं। तुम कैसे जाओगे उधर, तो कहते हैं कि प्रयत्न साधक, प्रयत्न ही साधक है, यानी कि तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। साधक वही है जो अपने चित्त के मंत्र को बदलने का प्रयत्न कर रहा है। साधक वो नहीं है जो कहीं जाकर कोई विशेष किस्म की साधना कर डालता है। साधक वो नहीं है जो कोई विशेष आसन लगाता है। साधक वो भी नहीं है जो कोई विशेष विधि को अपनाता है। शिव सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रयत्न साधक है, यानी कि जो अपने भीतर चलती हुई अंतरधारा को बदलने के लिए प्रयत्नशील हो गया है वही साधक है। ये हो सकता है बाहर से दिखाई ना भी दे। कई बार बाहर से तुम जो कुछ करते हो भीतर से बचने का उपाय होता है। जैसे तुम अंदर कुछ छुपा रहे हो तो तुम बहुत बोलने लगोगे, तुम बहुत बात करोगे। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैं अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा शरीर बहुत हरकत करता है, तुम्हारी पलकें भी बहुत झपकती हैं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम अपलक देखकर बात कर सकते हो, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम दाएं बाएं देखोगे, ऊपर नीचे देखोगे, कभी हाथ रगड़ोगे और बार बार अपनी आंखें झपकाओगे। बहुत कोशिशें करोगे बाहर की जो भीतर से बचने के उपाय हैं। आमतौर से जिसे साधना समझते हैं वो भी कई बार भीतर से बचने का उपाय हो जाता है। भीतर तुम्हारे इतना उपद्रव है, इतनी अशांति है कि तुम थोड़ी देर के लिए किसी विशेष प्रक्रिया में उलझकर अपने भीतर को भूल जाना चाहते हो और तुम्हें ये लगने लगता है कि तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। लेकिन शिव तो बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रयत्न साधक है। लेकिन ये प्रयत्न किस संदर्भ में आया है? पहले सूत्र के संदर्भ में, कि जो अपने चित्त के मंत्र को बदलने का प्रयत्न कर रहा है वो साधक है, यानी कि जो मन की व्यवस्था का बदलाव कर रहा है। तुमने मन की एक व्यवस्था के साथ रह के देख लिया और तुमने उसके परिणाम देख लिए, तो अब तुम मन की किसी भिन्न व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम एफर्ट कर रहे हो, और बिना प्रयत्न के उसे बदला जाना संभव नहीं।
तुम सोचो कि बैठे बैठाए हो जाएगा, तुम्हारे बिना कुछ प्रयास किए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मन ने जो स्वरूप अभी हासिल कर लिया है, उसमें तुम्हारे जन्मों जन्मों की धारा शामिल है। जन्मों जन्मों में तुमने उसे हासिल किया है, आज जो तुम्हारा मन है। तो अगर इस मन में बदलाव लाना होगा तो तुम्हें गहरे प्रयत्न की जरूरत होगी। अब प्रयत्न में ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई पत्थर तोड़ना है, जैसे कुछ लोगों को लगता है साधना में बहुत मेहनत करनी है। साधना में क्या मेहनत करोगे, कोई पहाड़ तोड़ना है? साधना कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, कि बड़ी मेहनत की जरूरत है। और चलो पहाड़ तोड़ भी लो तो वो भी कम मेहनत का काम है, लेकिन अपने विचारों की बहती धारा को मोड़ना वो सबसे गहरे प्रयत्नों में से। अपने अंदर के जगत को देखना और फिर उसमें बदलाव लाना, ये सबसे गहरे प्रयत्नों में से है। तुम्हें ऊपर से हो सकता है कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतर जगत में ऐसे बदलाव के प्रयत्न कर रहा है वो सर्वाधिक प्रयासरत है। और तुमको शायद एक तथ्य और भी पता ना हो जो बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, कि जब तुम मानसिक तल पर बहुत प्रयत्न करते हो किसी बात को समझने के या किसी बात को बदलने के, तो शारीरिक तल पर भी तुम्हारे बहुत असर आता है। तुम बहुत ऊर्जा खोते हो, तुम्हारी बहुत कैलोरीज नष्ट होती हैं। तुम एक घंटा दौड़ते रहो तो हो सकता है उतनी ऊर्जा तुम नष्ट ना करो जितना तुम बहुत इंटेंसिटी से, बहुत गहराई से अगर अपने अंदर मनन करो तो 15 मिनट में तुम उस ऊर्जा को समाप्त कर दो। कई बार वो विद्यार्थी इस तथ्य को जानते हैं जो अध्ययनरत होते हैं, कभी कभी वो बहुत ही फोकस्ड होकर अध्ययन कर रहे हैं और रात भर में दुबले हो जाते हैं। इसीलिए कई बार तुमने देखा होगा जब कोई बहुत पढ़ने में अपना समय लगा रहा होता है तो वो चाहे जितना खाए पिए वो मोटा नहीं होता, और जो लोग अपने मन पर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा भी खाते पीते मोटे हो जाते हैं। तो दुबले होने का भी उपाय से वो बता रहे हैं कि मन पर फोकस कर। मन पर फोकस करने का, चित्त पर फोकस करने का तात्पर्य है कि तुम अपनी कंडीशनिंग को, अपने धारणाओं को, अपने अंदर की गतियों को देख रहे हो और उनको बदलने का प्रयास कर रहे हो, और उस प्रयास में बहुत ऊर्जा लगती है। तो ये प्रयत्न सबसे गहरे प्रयत्नों में से। फिर अगले सूत्र में शिव कहते हैं गुरु उपाय है, और प्रयास ठीक ठीक कर पाओगे इसके लिए गुरु की जरूरत पड़े, क्योंकि कई बार गलत प्रयास से भी नुकसान हो सकता है। कुछ लोग बहुत प्रयासरत तो होते हैं लेकिन गलत दिशा में प्रयास करते हैं और सिस्टम को बिगाड़ लेते हैं। मन सर्वाधिक नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस में से, मन का जो यंत्र है वो सर्वाधिक जटिल है। इतना जटिल तो कोई यंत्र अभी तक विज्ञान ने बनाया नहीं। सूक्ष्म तल पर है, उसकी बड़ी सूक्ष्मता है। मनोविज्ञान अभी एक विकसित होता हुआ विज्ञान है, वो बहुत कुछ नहीं जानता मन के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जानने की ओर और व्यापक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा। और इस मन से खिलवाड़ करने में कई बार बड़े नुकसान हो जाते हैं अगर गुरु नहीं है तुम्हारे साथ। अब अगर तुम्हें कंप्यूटर के मैकेनिज्म का ज्ञान नहीं है कि वो कैसे बनता है, और तुम खोल कर बैठ जाओ, तुम्हें सर्किट तो दिखाई देंगे, तुम इधर उधर कहीं कुछ कर सकते हो, और बनाने के प्रयास में वो और बिगड़ जाए। तो बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बनने के प्रयास में ज़्यादा बिगड़ गए। तो जब गुरु के पास आते हैं तो उनको पहले की अवस्था में लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि तुम अपने सर्किट को इतना उलझा लो तो पहले तो उसको सुलझाया जाए जहां से वो टूटा था जोड़ने के लिए, फिर उसको जोड़ा जाए। तो अगर बिना गुरु के, गुरु का तात्पर्य यहां पर है उस व्यक्ति से जो अपनी चेतना में स्थित है, चेतना अर्थात मन के पीछे का जगत, जो मन की सूक्ष्मता को जानता है,
जो इस जीवन के जो सेटल मोमेंट हैं, जो सूक्ष्म गतियां हैं, उनको जानता है और उन पर काम करता है। और ये काम भी ऐसा है कि ऊपर से कई बार तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्या काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ किया जा रहा होगा। जो सूक्ष्म जो सेटल, इसीलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय है। उसके मार्गदर्शन में प्रयास करने से तुम अपने चित्त के मंत्र को रूपांतरित कर सकते हो। अन्यथा मंत्र तो तुम लेकर चल ही रहे हो और तुम एक चीज को हटाकर दूसरी चीज भी डाल सकते हो, लेकिन तुम अपने ही मन से जब बदलाव करोगे तो वो बदलाव भी तुम्हारा ही होगा। कभी इस पर भी चिंतन करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा मन के लिए, कि जो मन तुम्हारा समस्या पैदा कर रहा है उसी मन से समाधान कैसे आएगा, और जिस मन ने तुम्हें समस्या दे दी है और उससे ही जब तुम समाधान लाओगे तो वो नई समस्या बन जाएगी। इसीलिए लोगों के समाधान थोड़ी देर के लिए तो समाधान जान पड़ते हैं और फिर समस्या बन जाती है। यही पर शिव कहते हैं गुरु उपाय है, वो डिवाइस है, उसके साथ रहकर तुम सीख सकते हो कैसे प्रयत्न कर, किस प्रकार प्रयत्न करके हम अपने इस आंतरिक संयंत्र को, इनर स्ट्रक्चर को, अपनी इस इनर इंजीनियरिंग को ठीक करें। और फिर आगे वो कुछ और बातें कहते हैं जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है, कि ये होगा कैसे। चलो गुरु मिल भी जाए वो तुम्हारी मदद भी करे, लेकिन तुम फिर क्या करोगे। तो कहते हैं शरीरम हव ज्ञानम अन्नम, तुम्हारा शरीर हवन की सामग्री है, हव है, और ज्ञान अन्न है, भोजन है। शरीर से तात्पर्य शिव का तुम्हारे बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म से, वो शरीर का एक साथ उपयोग करते हैं, यानी कि जब तुम अपने को पूरी तरह इस यज्ञ में डाल देना चाहते हो तभी तुम रूपांतरण की ओर जा सकते हो। तुम आधे अधूरे लोकवार इस यात्रा में नहीं जा सकते। और शिव की बातें कितनी क्रांतिकारी हैं, तुम देखो कि मंत्र के बारे में उन्होंने सारी बात कह दी और यज्ञ के बारे में सारी बात कह दी। अब तुम आग जलाकर बैठे हो, उसमें कुछ सामग्री डालकर यज्ञ कर रहे हो और तुम सोचते हो कि हमने हवन कर लिया, तो तुम्हारी नादानी। तुम्हारी नादानियों को बचाए रखने के लिए ही लोग तुम्हें बाहर से पकड़ा देते हैं। ये सस्ता सौदा है, बाहर से करते रहो, फिर कोई तुम्हें यह भी कहेगा कि नहीं, बाहर का असर अंदर आता है, धीरे धीरे एक दिन अंदर भी आग जल जाएगी और अंदर रूपांतरण घट जाएगा। लेकिन शिव कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ही हवन की सामग्री है। जब तक तुम अपने को पूरा का पूरा जीवन के यज्ञ में डालने के लिए तैयार ना हो तब तक रूपांतरण की अपेक्षा नहीं करी जा सकती। और उसमें कहते हैं कि ज्ञान अन्न की तरह है, भोजन की तरह है। एक अन्न जिससे तुम्हारा शरीर बनता है, तुम्हारी देह बनती है, और एक अन्न जिसे शिव कह रहे हैं ज्ञान, वो तुम्हारे उस परम जीवन की देह के लिए भोजन बनता है। ज्ञान से तात्पर्य इंफॉर्मेशन से नहीं है, ज्ञान से तात्पर्य शिव का होश से, सजगता से, संवेदनशीलता से, अन्यथा तो सब ज्ञानी। आजकल के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ज्ञानी ना हो, सब ज्ञान की ही बातें करें, सारी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो बातें एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से ज्यादा क्या है। जैसे हार्ड डिस्क पे सारा मैटर सेव होता है और उसको तुम वहीं से यूज कर सकते हो, तो ऐसे ही तुम्हारी मेमोरी में अगर ज्ञान है जिसका तुम उपयोग करते हो तो वो हार्ड डिस्क की तरह है, वो कभी भी क्रैश कर सकते। मेमोरी एक डेड चीज है, स्मृति एक मृत चीज है, उसका कोई उपयोग नहीं। तो ज्ञानी ऐसे ना समझें अपने आप को कि तुम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। आजकल ऐसे ज्ञानियों की तो भरमार है, और कई बार ऐसे ज्ञानियों को ढूंढने निकलो तो वो गुरुओं से ज्यादा सदी हुई बातें करते। हमेशा जब मशीन काम करती है
तो ज्यादा सधा हुआ काम करती, गलतियां कम करती। इंसान जीता जागता गलतियां कर भी कर सकता है, तो गुरु कभी बोलते बोलते भी कुछ इधर उधर कर भी सकते हैं, क्योंकि वो जीवन वार्ता कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है तथाकथित, वो कभी गलती नहीं करते, बिल्कुल सदी हुई बात करें। मशीन है तो मशीन गलती नहीं करती। तुम बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन ये कोई काम आने वाले नहीं। इसीलिए शिव कहते हैं कि ज्ञान को भोजन बनाओ। और इसके आखिर में जो बात कह दे रहे हैं वो फिर सारी बात को स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते। विद्या जो तुम्हारे अंदर की विजडम है, जो तुम्हारा विवेक है, उसके नष्ट हो जाने से तुम एक स्वप्न लोक में विचरण करने लगते। विद्या, अब विद्या शब्द भी अपने में ध्यान देने जैसा है कि विद्या अर्जित करना, इसे तुम हमेशा सुनते हो तो वो लगता है किताबों से पढ़ के विद्या अर्जित कर रहे हो। विद्यार्जन के लिए तुम विद्यालय जा रहे हो विद्या अर्जित करने के लिए, लेकिन शिव उस विद्या की बात नहीं कर रहे। शिव कह रहे हैं विद्या का अर्थ है जिसे तुम महसूस कर सको। विद्या शब्द विद शब्द से बनता है। विद जो मूल लैटिन से वर्ड आया है उससे निकला विद, और विद से ही वीडियो बनता है, यानी कि जिसे तुम देख सकते। विद्या वो है जो तुम्हारा दर्शन है, जो तुम्हारा वीडियो है। तो ये जो दिखाई देना है जीवन का, जीवन के तथ्यों का, जीवन की गहराई का, उससे निकलती है विद्या। विद्या किताबों से नहीं निकलती। विद्या तुम्हारे देखने से, तुम्हारी दृष्टि के निर्मल होने से, तुम्हारे दर्शन से निकलती। जब तुम देख पाते हो, देखने देखने में भी अंतर होता है, लेकिन देखते 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 एक दिन तुम जीवन के सत्य दिखाई देने लगते। और जब जीवन के सत्य दिखाई देते हैं, विद्या उत्पन्न होती है, स्वप्न विदा हो जाते हैं और तुम्हारा चित्त रूपांतरित हो जाता है, तो उसके साथ तुम्हारा जीवन भी रूपांतरित होता है। लेकिन अगर तुम देखने में सक्षम नहीं हो तो तुम स्वप्न से भर जाओगे। अब इस बात पर ध्यान दो तो कितनी अद्भुत बात है। एक विद्या है जो जीवन के दर्शन से उत्पन्न होती है, जीवन को वास्तविक रूप में देख लेने से, और अगर तुम उस दर्शन में सक्षम नहीं हो तो विद्या नष्ट होती है और देखने की एक छद्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है, झूठी प्रक्रिया जो स्वप्न की तरह से तुम्हें घेरती है नहीं, लेकिन तुम उसे अपने चारों ओर बुन लेते हो। तुम ऐसे जीवन को अपने चारों ओर बुन लेते हो जो कहीं है ही नहीं, क्योंकि तुम देखने में सक्षम नहीं, तुम्हारी दृष्टि धूमिल है। इसको कहते हैं ना मुहावरे में, तुम्हारी आंख पर पर्दा पड़ा है, तुम कुछ का कुछ देखते हो, इसलिए तुम कुछ की कुछ दुनिया बुन लेते हो। पत्थर को पानी समझ लेते हो, पानी को पत्थर समझ लेते हो, दोस्त को दुश्मन समझ लेते हो, दुश्मन को दोस्त समझ लेते हो। हालांकि दोस्त दुश्मन भी सब धारणाएं हैं, लेकिन धारणाएं एकदम से व्यर्थ नहीं। अगर धारणाएं स्पष्ट हैं और जैसी हैं वैसी ही तुम उन्हें देखते हो तो उपयोगी हैं, और धारणाएं अगर वैसी हैं जैसी वो नहीं हैं और तुम उन्हें वैसा देखते हो जैसी वो नहीं है तो वो सपना है। समझ रहे? तो विद्या दर्शन की एक प्रक्रिया है। दर्शन दो दिशाओं में जा सकता है। अगर वो वास्तविक है तो विद्या को जन्म दे देगा, विजडम को जन्म दे देगा, विवेक को जन्म दे देगा। और अगर दर्शन विकृत हो गया है, दर्शन कंटेमिनेटेड हो गया है, दर्शन तुम्हारा कलर्ड हो गया है,
तो विद्या का संहार हो जाएगा, विद्या नष्ट हो जाएगी और स्वप्न पैदा हो जाएगा। आमतौर से व्यक्ति अपने अपने सपने में रहता है, अपने अपने सपने के एक बुलबुले। तो आज के सूत्रों में शिव ये पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि पहले, अब प्रक्रिया शिव की देखो कितनी अद्भुत है। अब उल्टे चलो सूत्रों में, यानी कि जीवन को जब तुम देखोगे गौर से, उसका दर्शन करोगे, धारणा मुक्त होकर, पूरी तरह जागरूक होकर, तो तुम्हारे अंदर विवेक विद्या पैदा होगी और तब तुम्हारे अंदर एक होश पैदा होगा जो तुम्हारे परम जीवन के लिए भोजन बनेगा। और जब तुम इस होश में जीना प्रारंभ करोगे, फिर तुम आधे अधूरे नहीं रह सकते, फिर तुम्हें पूरा का पूरा ही होना पड़ेगा। तुम पूरे के पूरे ही उस जीवन के यज्ञ में शामिल हो जाओ, और जब पूरे तुम शामिल हो गए तो गुरु प्रकट हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए उपाय बन जाएगा, तुम्हें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो प्रकट हो जाएगा, उपाय बन जाएगा। जब गुरु उपाय बनेगा तो तुम्हारे प्रयत्न सरल और सहज हो जाएंगे, तुम जान पाओगे तुम्हें क्या करना है, तुम साधक हो जाओगे। उसके पहले साधक, गुरु से साक्षात्कार के पहले तुम साधक हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें प्रक्रिया ही नहीं पता, तुम्हें पथ ही नहीं पता, तुम तो बिगाड़ लोगे प्रयत्न में। और प्रयत्न जब सार्थक होंगे तो गुरु आ चुका है, और जब सार्थक प्रयत्न हो गए तो फिर तुम्हारा चित्त एक अनुगुंज की तरह काम करता है। मंत्र एक प्रीमोरिडियल साउंड, एक आदिम अनुगुंज, यानी कि उससे ही निकलकर पूरा जगत रचा जाता है, तुम्हारे अंदर से पूरा जगत रचा जाता है और रूपांतर घट जाता है। इसमें शिव न तुम्हारे शरीर का विरोध करते हैं, न शिव तुम्हारे प्रयत्नों का विरोध करते हैं, न शिव तुम्हारे मन का विरोध करते हैं, वो उपाय बताते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आज के लिए इतनी ही।